नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर विदिशा से है, जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है करीला धाम। दरअसल हम इस धाम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां हर साल कई प्रदेशों और देश विदेशों से लाखों की संख्या में भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं जानकी माँ के दर्शन करने। लोगों की ये भी मान्यता है कि लोगों की जो भी मुरादें होती हैं उसे मैया पूरा करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इतनी भीड़ रहती है। आपको बता दें कि यहाँ 2 दिन में 2 लाख से भी ज्यादा भक्तों के आने की संभावना अशोक नगर कलेक्टर ने बताई है। यहाँ रंग पंचमी के शुभ अवसर पर विशाल मेला लगता है और बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई कराई जाती है। कहते हैं जो भी यहाँ पर मन्नत मांग कर जाता है, मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर राई कराने आता है। राई यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विदिशा और अशोक नगर जिले की भारी पुलिस यहाँ पर तैनात की जाती है एवं दोनों जिलों की प्रशासन यहाँ पर निगरानी रखती है। अशोक नगर कलेक्टर ने बताया है कि करीब 2 दिनों में 2 लाख से भी ज्यादा भक्तों की आने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी जमाने में यह स्थान एक सुनसान जंगल हुआ करता था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा चारों ओर व्यवस्थाएं जैसे पानी की धर्मशाला आदि व्यवस्थाएं कराई गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से यहाँ पर भक्तगण माँ जानकी के दर्शन करने पहुँचते हैं। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तो कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर, क्या व्यवस्था देगी इस बार? इस बार व्यवस्था प्रशासन की भी ठीक है और काफी जनता, 2 साल से कोरोना में नहीं आ रही थी वो काफी जनता, और शाम को बहुत इकट्ठी हो जाएगी ऐसा सुना है। तो कितने लोग आए हैं आपके, मन्नत थी आपकी यहाँ पर? नहीं, हम माता जी के दर्शन करने आए हैं। पहले आई थी जब मन्नत थी, हमारा एक बच्चे का हमने बोला था राय के लिए, तो इसलिए आए थे हम। क्या नाम आपका? नाथ सिंह कुर्जर मेरा नाम। देखिए, ये इस जिले का सबसे बड़ा आयोजन है करीला मेला, और अशोकनगर जिला और विदिशा जिले का प्रशासन पिछले 15 दिन से वहाँ पर रोज़ एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है। रोज़ कमिश्नर, कलेक्टर और भी बड़े अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण भी पहुँच रहे हैं, परंतु प्रशासन अपनी इन सारी तैयारियों के बाद भी लोगों को स्वच्छ पेयजल वहाँ पर नसीब नहीं करवा पाया। लोग वहाँ पर हाथों में बॉटल लिए घूम रहे हैं, पेयजल की उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं पानी पर आकर फैल हैं। वहाँ पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि वहाँ तकरीबन जो 20 लाख के करीब श्रद्धालु आज शाम तक पहुँचेंगे उन सबको पानी नसीब हो सके।